शिकायत प्राप्त हो रही थी कि गीडा के सेक्टर 13 में संचालित एएस फूड एंड ब्रेवरीज द्वारा राज्य के लिए जारी खाद लाइसेंस पर दूसरे देश नेपाल के लिए मसाले तैयार कर भेजे जा रहे हैं, जिस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सहजनवा के निर्देश पर खाद सुरक्षा अधिकारी प्रतिमा त्रिपाठी ने तहसीलदार सहजनवा के साथ उक्त खाद प्रतिष्ठान पर छापा मारकर निरीक्षण कर कार्रवाई की। निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान पर हल्दी पाउडर पैकेट 200 ग्राम व लाल मिर्च पाउडर 100 ग्राम का पैकेट उक्त शिकायत के अनुसार पाया गया, जिसके लेवल पर राज्य का लाइसेंस नंबर छपा हुआ था, साथ ही फॉर नेपाल भी लिखा हुआ था। उक्त दोनों खाद्य पदार्थों का सैंपल संग्रहित कर जांच हेतु भेजा जा रहा है। साथ ही उक्त दोनों खाद्य पदार्थों की बची हुई संपूर्ण मात्रा 860 किलोग्राम हल्दी पाउडर व 340 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर अनुमानित मूल्य लगभग 1,01,100 रुपए है को सीज कर दिया गया है। गोदाम में लगभग 100 बोरियों में सूखी लाल मिर्च भंडारित पाई गई, जिसको विक्रेता ने लॉकडाउन के दौरान खराब हो जाना पाया हुआ उसको समुचित रूप से डिस्ट्रॉय करने का आग्रह किया, जिसे सीज कर दिया गया है। वह समुचित स्थान निर्धारित करके डिस्ट्रॉय कराया जाएगा, जिसकी अनुमानित मूल 2.5 लाख रुपए है। साथ ही विक्रेता को आदेशित किया गया है कि जब तक वैध केंद्रीय लाइसेंस ना प्राप्त कर लेगा, उक्त खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं करेगा व उक्त कृत कार्य का लिखित स्पष्टीकरण 3 कार्य दिवस के भीतर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, अन्यथा की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में वर्णित सुसंगत धाराओं में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। चालीस किलो आगे ऐसे हम इसी को साइड करवा दीजिए। इतनी जगह कितने काम सर। पिसा हुआ माल तो मार्केट सक्सेस नहीं है, तो पिसा हुआ माल तो नाम अभी नहीं बेच रहे, बस उनको स्टॉक रखा हो, बस पिसा गया था वही काम कर रहे हैं। गोरखपुर में आप सब बेचते हैं तो यहाँ बेचते हैं। गोरखपुर में मार्केट सक्सेस नहीं है, बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। हम लोग खराब खड़े मारते हैं जो डिवाइडर थे वो ड्राइवर थे। जो पीछा हुआ दफा उसी को पैक करा हूँ, बाकी जो बाकी मतलब एक्चुअली में ऐसा था ना सर, हम लोग खुद फैक्ट्री खरीदे थे उन्हीं गए सब। पुराना पहले ही जमा यादव जी बताएंगे क्या नाम है उनका।
अभी तो मेरा लाइसेंस नहीं बना था, मैंने किसी नेपाल में काम ही नहीं कर रहा। आप हमको बोले थे कि लाइसेंस का भी दे दीजिए। बिल्कुल सब हो गया, मेरा सब करवा लिया। लाइसेंस का जो पेपर है, सर अंकल नमस्ते, अप्लाई का जो पेपर है, रजिस्ट्रेशन का जो पेपर है, मेरा जो सेंट्रल लाइसेंस वाला अप्लाई हुआ है उसका डॉक्यूमेंट भेज देते मैम लोग आए थे, थोड़ा चेक कर देते। एयर फूड का सेंट्रल लाइसेंस के लिए कौन सा खोला था काफी